हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये है अहोई अष्टमी, और इसकी अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं सभी माताओं को, सभी बहनों को। और ये है 17 अक्टूबर का व्लॉग, जिस दिन अहोई अष्टमी की पूजा थी। तो लास्ट व्लॉग था मेरा दिवाली का व्लॉग, जहाँ से दिवाली मेला का, नॉट दिवाली तो अभी आने में टाइम है, पर ये दिवाली मेला वाला व्लॉग था इससे पहले। और वहाँ से पीकू लेके आई थी ये ब्यूटीफुल सा कान्हा जी का बलून, जो आपने पिछले व्लॉग में भी देखा था, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पीकू से ये छूट गया और ये उड़ के जो है आसमान की तरफ प्रस्थान कर गए। बट इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो अहोई अष्टमी वाले दिन जो है मैं गई थी मंदिर में, क्योंकि आज जो है कथा का जो समय था वो 12 बजे के आसपास में पंडित जी ने रखा था, जो काफ़ी कंफर्टेबल था, जो हमारे यहाँ जिस टाइम पे होती है उसी टाइम पे था, मैच कर गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर में ही जाया जाए, और वो बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर जो है पंडित जी इसकी व्रत की जो है इम्पोर्टेंस, और साथ ही साथ जो कथा वाचन है जिस भाव से उन्होंने किया वो बहुत ही सुंदर था, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं तैयार होके गई थी मंदिर में, सुपर सिंपल तरीका ही था, कोई इसमें फैंसी चीज़ तो होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ गेहूं के दाने जो हैं वो हाथ में लेके, और पंडित जी बाकी सब जो हैं कलावा बांधने का, तिलक करने का, और पूजा पाठ जो है वो शुरू कर रहे हैं। सामने वही माता की जो है वो फोटो लगी हुई है, उनके आगे जोत जगा दी गई है। तो अब हम श्रवण करेंगे अहोई माता की कथा की। और अहोई अष्टमी जहाँ तक सभी जानते हैं, जिसको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि ये जो है बच्चों के लिए रखी जाती हैं, इसका व्रत जो है के लिए रखा जाता है। तो इसमें जो है मनोकामना पूर्ण होती है, आपके बाल बच्चे हैं तो उनके शुभ लाभ, और उनकी अच्छे स्वास्थ्य, उनकी तरक्की, उनकी सब चीज़ों के लिए कामना करती हैं माएँ। और अगर जिनके बच्चे नहीं होते हैं पर विवाहित होती हैं, तो वो भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कि उनकी संतान हो जाए, इसके लिए रखा जाता है। बाकी तो क्षेत्र क्षेत्र और प्रदेश प्रदेश की अलग अलग जो हैं वो मान्यताएँ हो सकती हैं, हमारे यहाँ जैसे होती हैं हम वैसे रखते हैं। तो ये जनरली जो है घरों में जो सासू माँ होती हैं वो ये कहानी सुना देती हैं, बहुएं सुना देती हैं, या घर में जो है बुज़ुर्ग जो आती हैं महिलाएं वो भी सुना देती हैं। तो इस तरीके से जो है अहोई अष्टमी का व्रत जो है यहाँ पे हम रखते हैं, और तारे देखने के बाद जो है रात को, रात तो नहीं शाम को, मतलब 6-7 बजे तारे दिख जाते हैं इस समय पे, उसके बाद जो है भोजन ग्रहण करते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर जो है आइए मेरे साथ और कथा का श्रवण करिए अहोई अष्टमी का। और कामना करती हूँ कि अहोई अष्टमी माता जो है वो सभी को जो है उनके सभी के बच्चों को, और सभी उनकी संतान ही है, हम भी तो भगवान की संतान ही है, तो मैं सबका शुभ लाभ और अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ। आइए मेरे साथ जो है इस क्षण के अंदर जो है जुड़ जाइए, और अहोई माता की जो है कथाएं, और साथ ही साथ श्री गणेश जी की भी कथा जो है उसका श्रवण करिए। ओम श्री दीप देव शांति रूपाहे नमः। ओम गजानन भूत गणाधिशेविदं कपितजं भूफलचारो भक्षणं उमाश्रुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं मह। ओम तनो देवै श्री तन्यम होयष्टमी देवी रूपाहे नमो नमः। तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जो है तिलक करना चाहिए, और जो है वो मौली बांधी जाती है, कलावा जिसको हम बोलते हैं। तो यही सबसे पहले जो है, हम कभी भी पूजा आरती कोई भी व्रत रखते हैं तो सबसे पहला कर्म कांड रहता है कि ये सब शुभ लक्षण कर लीजिए। और मौली बांधने का एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है कि जब आप इसको बांधते हैं तो ये आपके नसों को दबाता है, वहाँ पर ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो हमारी कोई भी क्रिया जो हम करते हैं हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में, हमारे रीति रिवाज में, हम जो भी इंडियन कल्चर में करते हैं उसका एक रीज़न होता है। विदाउट रीज़न हमारा कोई भी जो है रिचुअल होता ही नहीं है। इवन तिलक करने का भी एक कारण होता है, अगर आप तिलक का भी साइंटिफिक मैनर में देखना चाहें तो जो तिलक करते हैं उससे हमारी इंद्रियां जो हैं वो एकाग्र होती हैं, साथ ही साथ जो चंदन का तिलक जो है वो आपके मस्तिष्क को शांत करता है, वो उसमें जो शीतलता होती है चंदन के तिलक में। प्राचीन काल में एक साहूकार के
सात पुत्र, सभी पुत्र जो शादीशुदा सात भव्य थी उस घर में, और एक उनकी बेटी थी। दीपावली का जब पर्व आता है तो इनकी उस समय जो है सभी घरों में साफ सफाई इत्यादि जो है घर में पहले के समय में दीपापोती इत्यादि किया जाता था। तो ये कार्तिक मास की जो है अष्टमी के दिन ओही अष्टमी माता का व्रत किया जाता है। यह व्रत जो है सभी जो है माताएं अपने यानी कि संतान के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और परिवार की सुख समृद्धि के लिए करते हैं। तो कहा जाता है कि संयोगवश कुछ कहानियां जो घटनाएं होती हैं उन पर आधारित होता है, उसी समय से यानी कि वो प्रचलित होती हैं। तो सात बहुएँ जो है अपनी ननद के साथ में घर को संवारने के लिए, सजाने के लिए, लीपने पोतने के लिए जो है मिट्टी लेने के लिए खदान में जाती हैं। जब खदान में मिट्टी लेने के जाती हैं तो सभी बाबी यानी कि सजन संवर कर जाती है, इसलिए जो उनकी ननद है वो यानी कि मिट्टी खोदने का कार्य करती है। और जो ही वो मिट्टी जब खोदना प्रारंभ करती है खुरपी से, तो संयोगवश वहाँ पर एक जो शाहू यानी कि मादा जो थी जिससे ही बोलते हैं, उसकी यानी कि कुछ मादा कुछ उसकी यानी कि अवशेष उसके यानी कि बच्चे स्वरूप जो थे उन वहाँ पर थे, उनकी खुरपी के द्वारा वो कट जाते हैं। इसे शाहू माता जो है बड़ी क्रोधित हो जाती हैं और यानी कि उनको श्राप देना प्रारंभ करती है। तो जब श्राप देने यानी कि कहा जाता है कि जिस प्रकार यानी कि आपने मेरे बच्चे को नष्ट किया उसी प्रकार यानी कि आपको भी कोप को बांध देंगे। इस प्रकार यानी कि सभी घबरा जाती हैं, सभी करके भाभियाँ जो है एक दूसरे का बारी बारी कहते हैं। तो कोई भी जो है भाभी यानी कि जब बनवाने के लिए प्रेरित नहीं होती है तो जो सबसे यानी कि छोटी जो भाभी थी उनकी वो अपनी ननद पर तरस आ जाता है और अपनी कोप बनवाने के लिए यानी कि तत्पर हो जाती है और तैयार हो जाती है। तो श्याम माता के द्वारा उनको कोख यानी उनकी बांध दी जाती हैं। जो छह उनकी यानी कि भाभी जो भव्य थी, सभी के संतान थे, सभी का परिवार था, लेकिन जब यानी कि सातवें नंबर की जो थी उनका, जैसे ही उनके यानी कि जन्म बच्चे जन्म लेते तो कुछ समय के बाद छः से सात दिन यानी कि समय के अनुसार ही वो यानी कि 10 दिन से पहले ही कहा जाता है कि वो उनके मर जाते थे, यानी कि उनकी आगे वंश वृद्धि नहीं हो पा रही थी। बड़ी ही परेशान थी, बहुत जगह गई, किसी के द्वारा उपाय करने पर भी कुछ भी नहीं हुआ। सहयोग बस किसी ने उनको यह कहा कि ऐसे ऐसे पंडित जी हैं वहाँ पर आप चले जाइए, हो सकता है वो कुछ आपको उपाय बता दें। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जो है शाहू माता के द्वारा आपकी कोख बांधी गई है, यदि आप जो सुरही गौ माता का पूजन करें, उनकी सेवा करें, तो शायद आपकी जो है ये कार्य आपका मनोरथ जो है पूर्ण हो सकता है। तो वह कुछ दिन के बाद जो है सुरही नामक गाय ले आती हैं और सुरही नामक गाय की दिन रात सेवा करती है, बड़ी भक्ति भाव से करती है, समय पर सुखा लाना पिलाना सभी कार्य करती है। उसकी जो सेवा से सुरही जो गौ माता थी बड़ी ही यानी कि प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं जो आप मेरी दिन सेवा पानी करते हैं मैं आपसे बड़ी खुश हूँ, आप क्या मांगना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मांगना कुछ नहीं, आप मेरे जो सहायता कीजिए, क्योंकि जो शाहू माता जो है शाहू वो आपकी भाईली आपकी यानी कि सखी है, अगर आप उनको यानी के साथ में लेके चलें, उनके द्वारा ही यानी कि मेरी जो कोख बांधी गई है उसको यानी कि खुलवा दे, तो मैं जितना हो सकेगा आगे यानी कि आपकी सेवा करूँगी, यही आपका मेरा मनोरथ है, यही मेरा कार्य है, आप इसको पूरा कर दीजिए। तो ईश्वरी नामक जो गाय थी उन्होंने कहा था वो तो यहाँ से सात समुंदर पार है, बहुत दूर है, उन तक तो पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने जब मेरी इतनी सेवा की है तो मेरे से जो बन पाएगा वो आपके लिए मैं करूँगी। इस प्रकार जो है दोनों चली जाती है, चलते चलते बहुत दूर चल जाने के पश्चात उनको यानी कि गर्मी में जो समय था विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। और जब वो वृक्ष के नीचे बैठ जाती है उसी पर यानी कि गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया हुआ था, उन बच्चों को यानी कि डसने के लिए खाने के लिए एक सांप वहाँ पर आ जाता है। वो उनकी जो बहू थी यानी कि जो अपने यानी कि बच्चे के लिए वहाँ पर शाहू माता के पास जा रही थी, उसने देखा कि ऐसे ऐसे जो है यानी कि सांप जो है यानी कि गरुड़ पंखनी के बच्चों को खा रहा है, तो उससे रहा नहीं गया और उसने यानी कि डला ठेला लेकर के जो है उसको सांप को मारने की कोशिश की और यानी कि वो वहाँ से चला जाता है। जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ खून लथपथ था, तो देखकर घबराई और यानी कि वही वापिस जो है उस यानी कि भू पर यानी कि कहने लगी कि आपने मेरे यानी कि बच्चों को मारा है, आपने मेरे बच्चों को सताया परेशान किया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो जो है एक ऐसे सांप आया था और वो आपका बच्चे खाने की कोशिश कर रहा था और मैंने तो उसे डला मार कर यानी कि भगाया है, मैंने तो आपके बच्चों को बचाया है। तो उसकी यानी कि भगाने से उसके बच्चों को बचाने से वो बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि सेवा तो मेरी ये है
कि ऐसे ऐसे जो है मैं अपने यानी कि को खुलवाने के लिए शाह माता के पास जा रही हूँ और वो यहाँ से सात समंदर पार है, बहुत दूर है। यदि आप हमें दोनों को अपने पंखों पर बैठाकर उन तक पहुँचा दें तो इससे बड़ा अच्छा कार्य और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये जो आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है तो मैं इस कार्य के लिए आपके लिए तत्पर हूँ और आप मेरे पंखों पर बैठिए, मैं आप दोनों को यानी कि शाह माता तक पहुँच जा दूँ। वह उन्होंने अपने पंखों पर दोनों को बैठाया और उनके पास ले जाने लगी। कुछ समय के पश्चात जब वो यानी कि वहाँ पहुँच जाते हैं तो शाहू माता जो है शुरई गऊ माता को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई कि हे सखी, इतने दिनों तक तू कहाँ थी, बड़े दिनों बाद आई, आपको देखकर मुझे बड़ी खुश हुई, मेरा मन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरी भगतनी भी आई है। तो उन्होंने जब उनका परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि शाहू माता ने कि मेरे सिर में कुछ जुएं पड़ गई हैं, हे सुरई आप इनको जुओं को निकाल दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो मेरी भगतनी है वो बड़े अच्छे से ये कार्य करती है, वो आपके यानी कि शरीर सिर की जुएं निकाल देंगी। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो यानी कि उन्होंने उसको जुएं निकालना प्रारंभ किया। जैसे ही उसकी जुएं निकलती गई तो यानी उसको बड़ा आराम मिलना प्रारंभ हो गया और वो बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा कि आपने मेरे आज बड़ा ही आराम दिया है, बड़ी आज खुश हूँ मैं कि मैं इतने दिनों से बड़ी परेशान थी। तो मन बहु ऐसे ही कर रही थी कि मैं भी बड़े ही दिनों से परेशान हूँ, मैं भी अपने कार्य के लिए आया हूँ, तो जिस प्रकार आपको भी यानी कि शांति मिली, आपको भी आराम मिला, इस प्रकार हो सके मुझे भी मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि क्या मांगना चाहती हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी जो कोख बन गई थी और वो कोख खुलवाने के लिए मैं आपके पास जो आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि अवश्य मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगी, हालांकि मैं नहीं कर सकती, लेकिन आपने यानी कि जब इस प्रकार का ये कार्य किया है तो इससे मैं बड़ी खुश हूँ और मैं आपके ये पूरी करूँगी। आप जब जाएंगे तो आपके यानी कि घर में सात बेटे और सात भव्य आपको दिखाई देंगे। तो जैसे ही यानी कि वो वहाँ से जब चलते हैं तो कुछ दिनों के बाद जब पहुँचती है तो घर देखकर यानी कि बड़ा ही उसको खुश हुआ। तो उन्होंने एक कहा था कि जाते ही जो है सात यानी कि सवा सात शेर, इस प्रकार का उन्होंने कहा कि ऐसे जो है सात उज्जमन करना। तो जैसे ही वह जाती है उज्जमन की तैयारी करने जब प्रारंभ करती है तो उनकी जो यानी कि जो जेठानियाँ थी उन्होंने कहा अपने बच्चों से, जाइए जाइए देखिए यानी कि हम जल्दी से अपने घर का सभी काम कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी यानी कि छोटी है वो हमारे बच्चों को देख करके फिर विलाप करने प्रारंभ होगी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है और अष्टमी का जब दिन आएगा तो वह रोना भी लखना शुरू करेंगी और जल्दी जल्दी हम सब अपना कार्य कर लेते हैं। तो इस प्रकार जब उनसे कहा गया तो उन बच्चों ने जब घर जाकर देखा तो उन्होंने घर जाकर अपनी सूचना दी कि चाची तो ऐसे ऐसे पकवान बनाने की तैयारी कर रही है, बड़ी बड़ी मिष्ठान बना रही है और आप कह रहे हैं कि चाची विलाप करेंगी, चाची तो बड़ी खुश लग रही है आज। तो उन्होंने शीघ्रता से जब दौड़ी दौड़ी सभी उनके पास गई और उनसे पूछा कि आप इतना खुश क्यों हो। तो उन्होंने कहा कि आपके तो एक या दो बेटे हैं, मेरे देखो सात सात बेटे और सात सात बहू भी हैं। वो बड़ी अचंभित हुई कि आपका ऐसे किस प्रकार हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब वो कोख बांधने का मुझे श्राप मिला हुआ था वो मैं सुरई गौ माता की सेवा की और इनकी सेवा करने के पश्चात जब ये मुझे श्याम माता के पास ले गई और जब मैंने यानी कि उनकी सहायता की तो उन्होंने जो है मेरी कोखें खोल दी और यानी कि मुझे इसी प्रकार उनका आशीर्वाद से सात यानी कि बेटे और उनके ही द्वारा सात बहुओं की प्राप्ति हो गई। तो कहा जाता है कि जिस प्रकार यानी कि उनकी कोख खोली गई, उनके यानी कि परिवार की सुख समृद्धि बढ़ाई गई, संतान को सुख दिया गया, उसी प्रकार की हो ये अष्टमी इस संसार में जो भी है, जो कथा करने वाले, जो कथा में ओंकार भरते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उसके परिवार की भी वंश वृद्धि करना, उनके यानी कि संतान उनको दीर्घायु करना, अच्छा स्वस्थ देना और उनके सभी जो कार्य मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बोलो हो अष्टमी माता की जय। साथ में वही गणेश जी के घर में कृष्ण अक्षत डाल लो। कहा जाता है कि एक बुढ़िया अंधी माता थी, वह प्रतिदिन गणेश भगवान का बड़े मन लगाकर पूजा किया करती थी। गणेश भगवान की भी उसकी पूजा से बड़े ही प्रसन्न से गणेश भगवान उसकी कहा कि हे माता, बढ़िया माता, आप इतना पूजा पाठ करती हैं, मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, आप क्या मांगना चाहते हैं, मांग लीजिए। बढ़िया माता ने कहा कि मैं तो क्या मांगूँ। तो उन्होंने कहा कि हे बढ़िया माता, अपने बेटे बहू से पूछ लो, अगर आप मांगना नहीं चाहते तो उनकी कुछ इच्छा हो। तो वही अपने बेटे बहू के पास जाती है और बेटे से कहते हैं कि गणेश भगवान ने मुझे दर्शन दिए, क्या मांगूँ। तो उन्होंने कहा कि धन मांग लीजिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है इस संसार में। जब बहू के पास गई तो उन्होंने कहा कि अपना यानी कि पोता और मेरे लिए बेटा मांग लीजिए। उसके मन में रहा नहीं गया बुढ़िया माता से, उन्होंने सोचा कि बेटा अपने लिए, बहू अपने लिए कह रही है। तो पड़ोसी के पास गई और पड़ोसी जाकर पूछा कि मैं क्या मांगूँ। तो उन्होंने कहा कि हे बुढ़िया माता, आपका समय बहुत कम है, आपकी आयु अधिक हो चुकी है और आप नेत्रहीन हैं, आप आँखों के लिए गणेश भगवान से आँखें मांग लो ताकि जाते जाते इस संसार को अच्छी तरह देख जाएँ, इससे बड़ा और आपके लिए क्या हो सकता है। तो बुढ़िया माता ने कहा ठीक है।
उसके मन में वही विचार आता रहा और गणेश भगवान कल आएंगे, गणेश भगवान से मुझे कुछ मांगना है, क्या मांगो क्या मांगो, इस प्रकार यानी कि उसके मन में जो है घूमते घूमते सभी बातें का एक यानी कि वाक्य बन जाता है, सभी बातें एक कहानी बन जाती है। तो कल गणेश भगवान आएंगे तो उनसे मैं मांगूंगा। जब अगले दिन गणेश भगवान आए तो गणेश भगवान ने कहा कि हे बुढ़िया माता, सोच विचार कर लिया क्या मांगना चाहती हैं? तो इसमें दो कहानियाँ हमारी आ जाती हैं, दो छोटे छोटे वाक्य। तो एक तो उन्होंने ये सब बातों को जोड़कर कहा कि मैं यानी कि अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। हाँ, तो उन्होंने यानी कि मैं जो है अपने बेटे को यानी पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। दूसरी यह भी कहा जाती है कि यानी कि 9 करोड़ की माया देना, निरोगी काया देना, आंखों में प्रकाश देखना देना और यानी कि आगे नाती पोते देना, यानी कि सभी वाक्य उसने जोड़ लिए। तो गणेश भगवान ने कहा कि हे माता, आपने तो एक ही वाक्य में सब कुछ कह डाला, कुछ इस यानी कि ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं जो आगे यानी कि द्वारा आप मांगे या मैं किसी कुछ दे पाऊँ आपको। तो गणेश भगवान ने कहा कि हे माता, आपने तो मुझे ठग लिया, लेकिन मेरा वचन था वो मैं पूरा करूँगा। तो जिस प्रकार यानी कि बुढ़िया माता गणेश भगवान ने सारे सुख दिए सभी तरह के, उसी प्रकार ही गणेश भगवान यानी कि इस संसार में हंकार वर्णन वाले के लिए, कथा सुनने वाले के लिए भी आप सभी तरह के शुभ दे। बोले गणेश भगवान की जय। यहाँ पर जो है कथा समाप्त हो गई है। इसके साथ में जो है पंडित जी बता रहे हैं कि जो कथा सुनते हुए हाथ में जो गेहूं के दाने हैं, इसमें एक्चुअली या तो गेहूं के दाने या फिर बाजरे के दाने होते हैं जो टूटे नहीं हों, साबुत हों। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप साबुत चावल भी ले सकते हैं, अन्न होना चाहिए और वो टूटा नहीं होना चाहिए। तो इसमें से जो है दाने कुछ जल में इस समय डाले जाते हैं जब कथा वाचन होता है, उसके बाद जो बचे हुए दाने होते हैं उनको जो है वो पल्ले में, दुपट्टे में या साड़ी के कोने में जो है वो गांठ लगा के रख लिए जाते हैं ताकि वो सेफ रहें, क्योंकि उन्हीं दानों का जो है वो शाम को जो आपने जल भरा है छोटे मटके में या छोटे लोटे में, उसके अंदर जो है उनको डाल के तारों को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद ही जो है पूजन समाप्त होता है और आप जो है अपना व्रत का जो है व्रत को मतलब पूर्ण करते हैं और उसके बाद आप भोजन ग्रहण करते हैं। तो यही यहाँ पर पंडित जी समझा रहे हैं कि इनका किस तरीके से आप क्या कैसे कर सकते हैं। और हम यहाँ पर कई लोग बैठे हैं और हम सबके घर में अलग अलग थोड़ी बहुत कम ज़्यादा अलग सेम मान्यताएं हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको हर जगह पे मिलेगा। जैसे आप अगर यही व्रत जाके वेस्ट बंगाल साइड जाके देखेंगे तो वहाँ आपको ये नहीं मिलेगा, वहाँ पर जो है छठ पूजा का व्रत जो है वो प्रधान होता है। तो हर जगह पर आपको अंतर मिल सकता है और यही जो है मान्यताएं, कहीं पर कोई ज़्यादा मानी जाती है, कहीं पर कोई कम मानी जाती हैं, बट काफ़ी हद तक सेम होता है। हाँ, जैसे कि एक फेस्टिवल सेम टाइम पर कहीं और जगह पे किसी और नाम से भी मनाया जाता होगा, तो इस तरीके से जो है हम अपने त्यौहार अलग अलग नाम से पर विद द सेम स्पिरिट ऑफ आर सनातन उसके साथ हम मनाते हैं। प्रणाम करके और आपसे जो जो बड़े लगते हैं उन सबके चरण स्पर्श करते हैं। हाँ, पुष्प भी चढ़ा साफ सुंदर प्यार जो है सही जो गौ माता है इनकी भाई ली है उनके पास ले जाकर के जो मेरी कोख करवा सकते हैं। घर में गए तो उन्होंने देखा और कहा कि माता सभी बच्चे गए और कहा कि ऐसे ऐसे इसमें जो है उत्पन्न कर रही हो, तो वो देखकर बड़ी हैरान हुई। उन्होंने कहा कि किस प्रकार हुआ, तब उन्होंने सारे बताया कि ऐसे जो कोख बांधी गई उसके द्वारा परेशान हुई। तो यहाँ पर कथा के बाद जो है जो जो हम यहाँ पे उपस्थित थे वो सब आपस में जो है हम बात करने लग गए, क्योंकि सब अलग अलग जगह से हैं तो सब अपने जो है एक्सपीरियंस अपने अनुभव को शेयर करते हैं, अपने यहाँ की मान्यताएं एक दूसरे को बताते हैं जिससे हम एक दूसरे को जान पाते हैं। और यही खूबसूरत जो चीज़ें हैं, यही जो सुंदर बातें हैं यहाँ पर हम आपस में सुन रहे थे। काशी का व्रत बंगाली लोगों में केवल विधवा औरतें करती हैं, वहाँ सुहागिन औरतें नहीं करती हैं बंगालियों में। हम तो बंगालियों के बीच में भी रहे हैं इसलिए जानते हैं हमको। हाँ,
हमारे है कि अभी सुना है कि एकादशी के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। हाँ, एकादशी के दिन नहीं धोते। एकादशी बड़ा। आप किधर के हैं आप लोग? तो ये था मेरा आज का अहोई अष्टमी का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। शाम को जो है मैंने अर्घ दिया और व्रत खोला, और यहाँ पे मेरी गुड़िया जो है ये शाम को कर रही थी आर्टिस्टिक वर्क, तो यहाँ पर शी इज़ हैप्पीली डूइंग ऑल दिस। तो इसके साथ ही मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, और इसको जो है जो ये मटके ऊपर नीचे रखे हैं इसको बोलते हैं दो घड़। तो आई होप आपका भी व्रत अच्छा रहा होगा और आगे आने वाला त्यौहार भी आपका बहुत अच्छा जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे।